जब भी आपको कम समय में कुछ अच्छा बनाना हो तो आप इस बेसन चीला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही झटपट ये बनके तैयार भी हो जाता है, बट खाने में तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आप भी इस बेसन चीला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 3 कप बेसन लिया है, इसे छान लेना है। तो यहाँ पे 3 कप बेसन एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल में, और उसमें अब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। और 1/2 कप यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, तो धनिया पत्ती को भी बारीक कट कर लेना है। अब हम सभी चीज़ों को डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। तो सभी चीज़ों को डाल दें, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दें और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, मैं बताऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और इसे अच्छे से मिला लेना है। इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से मिला लेना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से पानी डालते हुए मिला लेना है। तो इसी तरीके से इसे लगातार इस तरीके से मिलाते रहें और ये हमारा बैटर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल यही होनी चाहिए, इससे एकदम परफेक्ट चीला बनके तैयार होता है। तो ये हमारा जो बैटर है ना, वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक हम तवा गरम करेंगे। तो यहाँ पे तवा को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है और अब हम इसे तेल से ग्रीस करेंगे। तो इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। और एक कलछी हम इस पर बैटर डालेंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो हम इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर थोड़े से बबल्स टाइप में आ गए हैं और ये ऊपर से थोड़ा सा सूख भी गया है। तो बस हम इसे इस स्टेज पे पलट देंगे। तो ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम थोड़ा सा इस तरीके से साइड में तेल लगा देंगे और इसे दूसरी साइड भी थोड़ा सा सिकने देंगे। तो इसे इस तरीके से थोड़ा सा हम बीच में प्रेस करते हुए इस तरीके से सेक लेंगे। दोनों तरफ उलट पलट करते हुए हमें सेक लेना है, थोड़ा सा इसे क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। तो ये हमारा जो चीला है वो बनके तैयार है, बस इतना ही हमें इसे सेकना। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। इसी तरीके से हम बाकी सारा भी बना लेंगे। तो पहले तेल ग्रीस करेंगे, फिर एक कलछी बैटर डालेंगे और इसे इस तरीके से फैला लेंगे और इसे उलट पलट के थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो इसी तरीके से सारे चीला को बना लेना है, थोड़ा क्रिस्पी होने तक हमें इसे सेक लेना है। तो चलिए सारे चीला को इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बेसन चीला बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में तो पूछिए मत, बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इसे ग्रीन चटनी, टोमेटो, केचप किसी के साथ भी खाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इसके कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, बहुत ही अमेजिंग ये बेसन चीला बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस बेसन चीला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।